लेट सी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर इस कार्ड को मैं यही रखूंगी सो so देंस रहे हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द इयर मतलब जैन फेब मार्च और वीडियो आपने अंत तक जरूर देखनी है लास्ट में सन मुन राइजिंग के लिए अलग अलग कार्ड निकालूंगी और एंड में कृष्णा से एक मैसेज आपके लिए सो लेट सी लिब्रा के लिए जनवरी फेररी मार्च फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर कैसा रहने वाला है सो लिब्रा जनवरी फेबर मार्च फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर एंजल्स हाउल फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर सी फॉर्ट लिब्रा तुला राशि के लिए जनवरी फेर मार्च पहला क्वार्टर जो है साल का वो कैसा रहने वाला है और क्या लेकर आने वाला है जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर कैसा रहने वाला है और क्या लेकर आने वाला है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर ओके सो यूजुअली तीन तीन कार्ड्स अभी तक मैंने एक ही वर्गो की है वर्गो के लिए बिल्कुल प्रिसाइसली थ्री कार्ड्स आए थे आपके लिए फोर कार्ड्स आए हैं आई एम गोइंग टू पिक ऑल फोर अप सो पहला कार्ड जो है फर्स्ट दो कार्ड्स जो है आपके फर्स्ट क्वार्टर में उसमें बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है आ, ट्रैवल की मूवमेंट की और कुछ बहुत स्ट्रांग चेंजेस uh, जो है वो आपकी लाइफ में आने की क्योंकि uh, यहां पर लेटिंग गो भी है और यहां पर कनेक्टिंग विद संबड़ी भी है क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो uh, ये जो स्टोरी मुझे ये कार्ड्स दे रहे हैं सिक्स और फाइव इलेवन की की एनर्जी है जो स्टोरी मुझे ये कार्ड्स दे रहे हैं अगर यहां पर देखें तो कोई बोट में है और uh, यहां पर रोशनी है और वो बोट जो है प्रोटेक्टेड है चारों तरफ सोज है उस बोट के चारों तरफ प्रोटेक्टेड है दिस इज संबड़ी जो वेट कर रही है यहां आप सोच सकते हो जिसने इस बोट को भेज दिया है लेकिन यहां पर देर इज अ डिवाइन कनेक्शन जो ये पर्सन जिसको उसको जहां पहुंचना था वो पहुंच गया है या उसको जो मिलना था वो मिल गया है तो मुझे लगता है कि डिवाइन से डेफिनेटली इज अ पॉजिटिव एनर्जी दैट इज कमिंग योर वे कोई ना कोई गिफ्ट कोई ना कोई मैसेज कोई ना कोई पॉजिटिव uh, कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आएगी दूसरा जो है वो सेट हायरफेंट और फाइव ऑफ सो की एनर्जी का है और यहां पर भी अगर आप देखें uh, नहीं हैंगड मैन और फाइव ऑफ की एनर्जी का है और यहां पर भी अगर आप देखें तो 嗯。Um ये अवेकनिंग का कार्ड होता है स्टक सिचुएशंस में अवेकनिंग आना आपको अपना जो एक्चुअल उसका हार्ट जो है वो नट आपको यहां पर दिखाई देगा एंड देआर टू स्कर्ल्स जो आ, दोनों तरफ है और देख रही है उसके पर जो उनको चाहिए उसके पास है उसके हार्ट में है और आ, यहां पर इफ यू सी तो संबड़ी इज रनिंग अवे क्योंकि एक जो पर्सन है उसने सोच ले लेनी है और वो अपनी सोच लेकर खड़ा है बहुत स्ट्रांगली एंड सम्बड़ी इज एक्चुअली मूविंग अवे अ ग्रीन ओके सो मैं आ, जिस तरह से आपके कार्ड्स की एनर्जी आई है नाउ इफ यू देर इज अनादर मैजिक इन दिस सिक्स फाइव एंड थ्री फाइव तो सिक्स का हाफ थ्री होता है तो सिक्स फाइव एंड थ्री फाइव की एनर्जी आई है सो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर है ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आने वाला है कुछ डिफरेंट सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली हैं कुछ डिवाइन गिफ्ट जो हैं वो आपको मिलने वाली हैं और कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज जो हैं वो आपकी लाइफ से दुम दबा के भागने वाली हैं तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर मुझे आपके लिए बहुत पावल लग रहा है अगर मनी के परस्पेक्टिव से देखूं तो दो आ, पेंटिकल कार्ड कोई नहीं है यहां पर लेकिन फिर भी क्योंकि यू गेटिंग समथिंग वेरी वेरी प्योर तो मुझे लगता है कि मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सच प्रॉब्लम नहीं होने वाली है हाँ थोड़ी सी बजटिंग जरूरी होने वाली है लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाली है क्योंकि जो भी आपको चाहिए वो आपका हार्ट प्योर है आपके पास वो एनर्जी है तो ऑटोमेटिकली मनी अपने आप झक मार के आएगा आ, दूसरी जो एनर्जी है जो आपके करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर के परस्पेक्टिव से मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है और ऐसी ग्रोथ दिखाई दे रही है जो तो शायद बहुत समय से स्टक थी और देर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पे दो लोग कॉम्पिटिशन में थे और दूसरा पर्सन जो है गिवअप कर दे और जो आपका आप जो करते हो वो आपको मिले या कोई पर्सन आपके खिलाफ कुछ कर रहा था और वो ऐसे सिचुएशन आ जाए कि उस पर्सन को छोड़कर जाना पड़े एंड देन यू गेट वट यू डिजर्व सो डेफिनेटली किस तरह की ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है करियर वाइज uh, हो सकता है कि शुरू में आपको कोई करियर uh, कोई जॉब कोई वर्क आप करते हो उसको छोड़कर भी आगे बढ़ना पड़े या कोई नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना पड़े या मतलब आपकी गोद में एक अपॉर्चुनिटी आ जाए अपने आप और उस अपॉर्चुनिटी को आपने डेफिनेटली फॉलो थ्रू करना है और डेफिनेटली आपको वहां से रिजल्ट जो है वो मिलेंगे थोड़ा सा कैफो रहना है किसी भी तरह के अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में आपने नहीं पढ़ना है और अपनी इनर वॉइस को जरूर आपने सुनना है चाहे बिजनेस है चाहे आपका जॉब है दोनों ही केसेस में चाहे आपकी स्टडी है ऑल केसेस इनर वॉइस को जरूर सुनना है अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना है और जो आपकी तरफ आ रहा है जो गिफ्ट आपको मिल रही है जो नॉलेज आपको मिल रही है उसको दोनों हाथों से सबमिट लेना है उसकी इज्जत करनी है और रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में भी मुझे एक गाइड आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है तो आई फील दैट किसी तरह की कोई ऐसी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है जो एक गाइडिंग एनर्जी की तरह हो और आपको वहां से कोई डिवाइन गाइडेंस या बहुत बेहतरीन गाइडेंस जो है मिले लेकिन दूसरा रिलेशनशिप में मुझे लेटिंग गो की एनर्जी भी दिखाई दे रही है तो अगर कोई ऐसी चीज थी आपके रिलेशनशिप में जो ट्रबल कर रही थी प्रॉब्लमेटिक थी तो वो जा सकती है वो खत्म हो सकती है अगर रिलेशनशिप आपकी मतलब ऐसी थी जहां पर बहुत ज्यादा फाइट्स आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम्स थे और आप उस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे थे तो वो आगे बढ़ने की एनर्जी है और ऐसी एनर्जी है जहां पर दूसरा पर्सन खुद ही गिवअप कर देगा या खुद ही छोड़ देगा तीसरा अगर आप किसी रिलेशनशिप की वेट कर रहे थे तो वो आपकी लाइफ में आने की एनर्जी है बट एक मैं चीज बोलती हूं कि बहुत ज्यादा जरूरी है खुद की रिलेशनशिप खुद के साथ जो है उस पर आप जरूर फोकस कीजिएगा क्योंकि एक अवेकनिंग की एनर्जी मुझे इंटरनली दिखाई दे रही है अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो फर्स्ट क्वार्टर में हार्ट हेल्थ का आपने बहुत ध्यान रखना है क्योंकि दैट्स वन थिंग जो मुझे कार्ड्स पे स्ट्रांग दिखाई दे रही है तो हार्ट हेल्थ का आपने बहुत ध्यान रखना है दूसरा जितना हो सके आपने ऑर्गेनिक ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो अपने डाइट में शामिल करने हैं और अम, साथ में कोशिश करनी है कि आप अम, जितना प्योरिटी प्योर चीजें ले सको उतना प्योर चीजें आपने लेनी है वाटर इनटेक का आपने बहुत ध्यान रखना है पानी जो है वो अच्छी क्वांटिटी में आपने पीना है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और तुस... मतलब ओवरऑल एनर्जी जो है मुझे कोई खास प्रॉब्लमेटिक नहीं दिखाई दे रही है तो अ, अगर बीपी का कोई इशू है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है मतलब जितना ज्यादा आप अपने आप को बैलेंस रखोगे अपनी डाइट को बैलेंस रखोगे हो सकता है स्पाइन रिलेटेड भी कोई इशू हो तो जहां जब रेस्ट की जरूरत है तो रेस्ट करना है भाग नहीं करनी है अपनी को रिस्पेक्ट करना है उसकी नीड्स को रिस्पेक्ट करना है और उसको वो ग्रांट करनी है वो जो जरूर चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी अदरवाइज जो ओवरऑल एनर्जी है फर्स्ट क्वार्टर की बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा लग रहा है दैट वो जो जजमेंट की एनर्जी है कि डिवाइन आपको कुछ देगा फिर आपके ऊपर है कि आप उस पर फेथ रख के आगे बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते हो और अगर बढ़ोगे तो मुश्किलें जो है डिफिकल्टीज जो है खराब चीजें जो है वो खुद आपकी लाइफ से दूर चली जाएंगी तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है बस विश्वास रखना है कि डिवाइन ने अगर आपसे कुछ छीन लिया है कुछ ले लिया है तो कुछ और आपको देगा ट्रैवल की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है और जिस भी चीज के लिए आप ट्रैवल करेंगे वो ट्रैवल जो है वो सक्सेसफुल होगा हाँ थोड़ा सा डिले हो सकता है किसी चीज के होने में लेकिन डिनाइल नहीं होगा वो चीज़ फुलफिल हो जाएगी तो ये तो ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए फर्स्ट क्वार्टर की नंबर ऑफ द मंथ फर्स्ट क्वार्टर के लिए मैं नंबर फाइव आपको दूंगी और कलर ऑफ द मंथ वाइट और ग्रीन दोनों ही कलर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे चक्रा ऑफ द मंथ आपने कोशिश करनी है कि आप हर चक्र के मेडिटेशन तो जरूर करो अगर हो सके तो ऑल चक्रा भी करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि आई टू सी लाइक दैट वाइट कलर सो मच तो अगर ऑल चक्रा करोगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा लेकिन हर चक्रा जो है वो आपने जरूर करना है अब देखते हैं कि एक और जो गाइडेंस है आपकी वो क्या है इस मंथ के लिए इस क्वार्टर के लिए फर्स्ट क्वार्टर के लिए आपके गाइड्स जो हैं वो क्या गाइडेंस आपको देते हैं कि गाइडेंस जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर तुला राशि लिब्रा के लिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द यर की क्या गाइडेंस है तुला तो राशि के लिए पहला क्वार्टर जनवरी फेबर मार्च की एनर्जीज जो है वो कैसी रहेंगी और उनके लिए क्या गाइडेंस है तो तुला तो राशि के लिए फर्स्ट क्वार्टर की गाइडेंस ब्यूटीफुल एनर्जी पोलब ईयर की एनर्जी आई है और वो बोलता है अपने लिए स्टैंड लीजिए अपना ट्रुथ जो है वो रिस्पेक्टफुली और कंपैशनेटली बोलिए आउटकम के लिए अटैचमेंट मत रखिए तो सबसे ब्यूटिफुल एनर्जी आई है जहां पर अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे अगर आप अपनी पावर में खड़े रहेंगे तो जो आप डिजर्व करते हैं वो आपके पास आएगा और बहुत अच्छे से आएगा लेकिन आपको करना क्या है आपको वो कंपैशनेटली और रिस्पेक्टफुली करना है और आपने आउटकम के बारे में वरी नहीं करना है आपने सिर्फ अपना अपना बिट कर देना है और अपने अपना जब आपने अपनी मेहनत कर दी अपना बिट कर दिया तो आपने ये वरी नहीं करना है कि इसका आउटकम क्या निकलेगा जब आप आउटकम की अटैचमेंट जो है उसको छोड़ देंगे और अपने लिए स्टैंड करेंगे तो ये फर्स्ट क्वार्टर जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और पावरफुल एनर्जीज लेकर आएगा और बियर जो है उसको हनी बहुत पसंद होता है तो हनी डेफिनेटली आपके लिए मिठी रिजल्ट और वेयर अगर आप बोले तो बर्फ आइस वो डेफिनेटली इसके साथ रिलेटेड होती है तो अंदर छुपी हुई चीजें जो है बहुत समय से हाइबरनेशन में जो चीजें थी हो नहीं रही थी या आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे वो आपकी तरफ आएंगे तो ओवरऑल एनर्जी फर्स्ट क्वार्टर की बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है मुझे और लेट्स सी सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है